उड़ीसा राज्य में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कोरोना मॉडल सभी को काफी भा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे उड़ीसा वासियों ने वंदे उत्कल जननी गीत गाकर कोरोना योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाया था। इसी कड़ी में टीवी वन इंडिया न्यूज की तरफ से एक महा एपिसोड के माध्यम से विभिन्न जिलों में हुए वंदे उत्कल जननी गीत को गाकर लोगों के उत्साह और मनोबल को बढ़ाने के लिए कवायद देखी गई थी। पर आज बात करेंगे हम उड़ीसा के कटक की, जहां कटक में भी काफी बड़े हर्षोल्लास के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आदेश का पालन किया गया। उड़ीसा में 30 मई को शाम 5:30 बजे वंदे उत्कल गीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उड़ीसा COVID-19 की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, आशा कर्मचारी, पुलिस कर्मी जैसे अनेकानेक योद्धाओं के उत्साह वर्धन एवं सम्मान में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कंपनियां, सामाजिक संस्थाएं, विभिन्न थाने, पुलिस हेडक्वार्टर, DCP ऑफिस आदि जगहों पर वंदे उत्कल जननी गीत गाया गया। और इसी कार्यक्रम के तहत जॉन 2 के ACP SK शरीफ के नेतृत्व में एवं दरगाह बाजार थाना के प्रभारी प्रदीप जेना के तत्वाधान में भव्य रूप से वंदे उत्कल जननी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसकी प्रशंसा कटक में सभी जगह की जा रही है और सामाजिक संस्थाओं ने भी इसे काफी सराहा है। इस कार्यक्रम के तहत जॉन 2 के ACP SK शरीफ, दरगाह बाजार थाना के प्रभारी प्रदीप कुमार जेना, समाज सेवक डॉक्टर शेख कलीमुल्ला, काठगड़ा शाही पूजा कमेटी के सचिव लक्ष्मीधर प्रधान सहित काफी सारे लोग मौजूद थे। इन सभी ने वंदे उत्कल जननी के ऊपर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और साथ ही बालू बाजार के समाज सेवी एवं शिव पेपर प्रोडक्ट के उत्पादक दिनेश कुमार साह ने अपने कर्मचारियों के साथ वंदे उत्कल जननी गीत गाकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। कटक में हुए इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान और इस पहल को देखते हुए लोगों ने कहा है कि कटक ने पूरे उड़ीसा को गौरवान्वित किया है। वंदे उत्कल जननी गीत गाकर सभी ने कोरोना योद्धाओं के उत्साह वर्धन के साथ साथ कोरोना से लड़ते हुए नारा दिया है, कोरोना हारेगा उड़ीसा जीतेगा। मैं प्राध्यापक डॉक्टर शेख कलीमुल्ला हूं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज एक राज्य में एक घंटे के बाद होने वाला है इस कटक शहर में, जो कमिश्नर पुलिस के अंडर में हो रहा है, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी सबसे निवेदन किए हैं जो कोरोना योद्धा को आज उनको सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम होगा 5:30 बजे। जितने योद्धा हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं और डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इनके साथ जितने मीडिया भाई लोग हैं, ये सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इनका बहुत योगदान रहा ये कोरोना कैसा इसको रोका जाए, ये कार्यक्रम को हौसला अफजाई करने के लिए सबका मुख्यमंत्री निवेदन था। मीडिया के थ्रू से उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं हौसला अफजाई करने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ। द्वारा प्रधान जनरल सेक्रेटरी काठड़ा से पूजा कमिटी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज कार्यक्रम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो भाई आह्वान देते सारा देशवासी को जे कोरोना योद्धा उद्देश्य आज वंदे उत्कल जननी गान सब जगार करने आम 10 मिनट पर आमर एक कार्यक्रम बर्तन आरंभ करूँ काठड़ा से पूजा कमिटी तरफ समस्त पूजा कमिटर कार्य कर्मकर्ता मान को लेकिन आम आरंभ करूँ। अच्छा, आउ कौन कहना चाहते कोरोना योद्धा? कोरोना योद्धा जो मैंने कोरोना योद्धा आज आम मुख्यमंत्री कौन साधारण जनता अनुभव कर महत्वपूर्ण भूमिका विगत 2 मास तले आम देखा पाइल। आमर स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर हुवंतु, नर्स हुवंतु, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, महानगर निगमर समस्त कर्मचारी, विशेष करी आमर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था भितरे आमर समस्त पुलिस प्रशासन अधिकारी माने, समस्त कर्मचारी माने पुलिस प्रशासन से मानक बहुत बहुत धन्यवाद देवा कथा, कारण से मानकर सहयोग पाई आज कटक सहर कोरोना सहित लड़े जारी रखी एवं आगामी दिन निश्चित भाव जितब, कारण मुझे कार्यकलाप देखी चंद्र कला थपे किंतु कटक पुलिस दाग ना कला ना कटक पुलिस प्रमाणित करदेला जे आम कौली कोरोना योद्धा किभरी भाव आम समाज में श्रृंखला रखिपरबू सरकार गाइडलाइन को नजर रखि समस्त प्रकार साई बस्ती में आम श्रृंखला रक्षा करवा एवं कोरोना रु सचेतन सृष्टि करवा से आमको शिखेदी। धन्यवाद। मैं काठड़ा एसआई का अधिकारी हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज हमारा प्रिय चीफ मिनिस्टर ने जो कोरोना योद्धाओं के लिए जो हमारा उड़ीसा का गान वंदे उत्कल जननी का आह्वान किया है 10 मिनट का बाद वो संग हम शुरू करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हूँ। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस वाले हैं, ये सब कोरोना योद्धा है। कुछ संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को? हम लोग सब 2 महीना से
ट्रेंड हो गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए सब लोग, उसका बाद में सैनिटाइजेशन में रहिए, उसका बाद में आप मास्क पहन के रखिए। धन्यवाद सर। आपके प्रतिक्रिया आज के ये कोरोना योद्धा के कार्यक्रम? देखिए ये कोरोना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आह्वान करने ये सब लोग को हमारा थाना स्टाफ और जो दरगाह बाजार थाना एरिया में जो पब्लिक सहयोग कर रहे थे वो सब खड़ा होके बंदे उत्कल दनानी गाना गा रहे है, वो सम्मान दे रहे है कोरोना योद्धा को। कैसा लग रहा है आपको खुद ही आप एक कोरोना योद्धा को? अच्छा लग रहा है, मैं भी अकेला नहीं है, मेरे साथ भी सब है, पुलिस डॉक्टर और जो सफाई कर्मचारी वो सब लोग को भी कोरोना योद्धा है। आपको कुछ संदेश देंगे टीवी वन इंडिया न्यूज के माध्यम से? देखिए कोरोना को डरना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग सब उसका प्रिवेंशन प्रिवेंटिव भी कर रहा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, मास्क पहनना होगा, ये ठीक होगा। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक के आह्वान से पुलिस और पब्लिक बंदे उत्कल जननी का गान होगा, गाना को सब पूरी श्रद्धा के साथ गाने के लिए यहाँ दरगाह बाजार थाना के सामने हम लोग कुछ इंतजाम किया हुआ है, पुलिस और पब्लिक सब मिल के इकट्ठा होके 5:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। आप भी कोरोना योद्धा हो, एक अहम किरदार आपके पुलिस वाले निभाए, इस बारे में आपके अनुभव बताइए। ये लॉकडाउन के पीरियड में पुलिस का भी रोल अहम रहा, इसके साथ कोरोना योद्धा जो अभी डेजिग्नेशन शुरू है इसमें शामिल है डॉक्टर्स सफाई कर्मचारी, ये सब के मैं सम्मान करता हूँ, पुलिस तो अपना जगह में कायम है और हम लोग सबको कोऑर्डिनेशन करके लॉकडाउन पीरियड में सबको अंदर घर के अंदर कैसे रहें बाहर को नहीं आए उसके हम लोग का इंतजाम करके रखे, कुछ डोनर्स आ गए आए, सोशल एक्टिविस्ट आ गए, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिसके चलते हम कुछ भूखे कुछ आदमी को खाना खिला सके, जिसके चलते वो लोग घर के अंदर रह सके और लॉकडाउन को सफल करे। काठेगढ़ा साई सेक्रेटरी जो है लक्ष्मीधर प्रधान, उनका ये कहना है कि चांद में तो दाग है पर कटक के कमिश्नरेट पुलिस वो बेदाग है, इस बारे में कुछ बताइए। ये उनका बड़प्पन है लक्ष्मीधर भाई ने, बहुत पुराना आदमी है मेरा, उनको मैं 1990 से जानता हूँ, वो बहुत आगे चढ़ के सबके साथ मिल के काम करते हैं, उनको मैं सम्मान करता हूँ, उनका जो ये वक्तव्य है उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका ये वक्त उसके लिए सबको आभार प्रकट करता हूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के जरिए कुछ संदेश? हम ये उत्कल जननी गान गाने के बाद वहाँ पे सब को हम लोग मास्क डिसाइड किए हैं, सबको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएंगे और सब अपना आगे चल के जो लॉकडाउन चलता रहेगा तो उसमें सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उसके साथ साथ मास्क पहनना जरूरी है, जिसके चलते हम कोरोना को यहाँ हरा सकेंगे, पुलिस और पब्लिक का सहयोग रहा तो सब कुछ ठीक हो सकेगा। धन्यवाद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक विश्वास की रिपोर्ट, कटक उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर से खबर, जहां महानगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 15 के मदलिया पाड़ा में महामारी के लिए सचेतनता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेडी एनजीबी समक्ष के पक्ष से यह आयोजन हुआ। इसमें राज्य सरकारी दल के उप मुख्य सचेतक और विधायक रोहित पुजारी मौजूद रहे और पूर्वतन विधायक डॉक्टर राजेश्वरी पानीग्रही, राज्य बीजेडी एनजीबी सम्मुख कार्यकारिणी सदस्य और जोन अभाहक आनंद बडगिया, जिला अभाहक बसंत मिश्रा समेत बहुत बीजेडी कार्यकर्ता माने शहर में मदलिया से लोगों को मास्क सैनिटाइज बिस्किट साबुन फल समेत कुछ खाद्य सामग्री भी आवंटित की है। इस कार्यक्रम में बीजेडी सभ्य की तरफ से माने तो अंचल में हो रहे लोगों के घर घर घूमकर महामारी कोरोना से कैसे बच सकते हैं इसके लिए लोगों को सचेत किया गया। नंदिनी प्रधान की इस खास रिपोर्ट में आइए देखते हैं क्या कहना था उपयुक्त सचेतक का और पूर्वतन विधायक के साथ साथ बीजेडी एनजीवी सम्मुख बसंत मिश्रा का। कोरोना रे बहुत लोक हैरान कारण समस्त रुजी रोटी कमी जाइए कमी नहीं पारे से लगी आम से आम तरफ रु पार्टी तरफ रु लोक करवार लगी जेन दिन डे वन रु लॉकडाउन है आम लोक सेवे अच्छू आगु आम रंधा खाद्य जोगाऊ
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ବି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଇଆଦେ ଅଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍, କାରଣ କିଛିଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ। ତ ଆଜି ଆମର ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ତରଫରୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍। ସେମାନେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିଆହେଇଛି, ଏଥିଲାଗି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛେ ଯେ ଏଇ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଯେନ୍ତା ଭୋକେ ନାଇଁ ରହିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ସେଥିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେନ୍ମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍, କି ଯେନ୍ମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ ଥାଇକିରି ବି ତାଙ୍କର ଆଜି ରୁଜିରୁଟି କମି ନାହିଁ ହେଇ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ କରୁଛୁ ବି କର୍ମୁ ବି। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆକୁ ଆସିକରି ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ମାସ୍କ ବନ୍ଧନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍? ଦେଖୁନ୍, ଆଜି କରୋନା ବେମାରୀ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇଗଲାନ। ଯେନ୍ଟା ଆମ ହୁଆଙ୍ଗ ନଦୀକୁ ଚୀନ୍ର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଉଛି, ହେନ୍ତା କରୋନାକେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ବସଲାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, ଆଉ ଏଇ ମହାମାରୀର କିଛି ଔଷଧ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ରୋଗକେ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାର୍ମା। ଆଉ ଯେନ୍ ସଚେତନତା ଲାଗି ଯେ ଦରକାର ଆମର, ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବାର କଥା, ଆଉ ଆମର ଯେତ୍କି ଆମେ ଇ ନିଜକୁ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାର୍ମା, ଯେତ୍କି ଆମେ ସଫା ରହମା, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇମା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ୍ମା, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏ ବେମାରୀକେ ଅଟକେଇ ପାର୍ମା। ସେହିଟାକେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାବିକିରି ଆଜି ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ନାଇଁ ଚାଲ ଯେ ଗରିବ ଯେନ୍ ଆମେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ, ଯେନ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍, ଯେନ ଲୋକ ଏତ୍କି ଆୱେର୍ନେସ୍ ସେତ୍କି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ନାଇଁନ, ସେ ଏରିଆରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ କରିକିରି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିକିରି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ବଏ ସାବୁନ୍, ମାସ୍କ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇକିରି ଆମେ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେଟା ନେଇଛୁ ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଲିଗାଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ଆମର ଯେ ମହାନଗର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ଆଉ ଆମର ଆଜି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି, ଆମେ ପଡ଼ାରେ ବୁଲିକି ଆମେ ଆପଣ ଆମେ କିଛି ମାସ୍କ ଆଉ ସାବୁନ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଘରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସେ ବି ରହିଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଲିଗାଲ ଆମର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିପି ଜିପି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍, ଆହୁରି ଆମ ଦଳର ଯେତେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ ଆମେ ସାମାଜିକ କାମ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ କରୁଁ, ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଟିଭି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲେ ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଧାନ କି ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା। खबर उड़ीसा के राउरकेला से, जहां परिवहन श्रमिकों के लिए सरकारी सहायता निमित्त दावी पत्र किया गया है। आपको बता दें, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सारे देश में लॉकडाउन के चलते परिवहन श्रमिक का रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है, जिनकी वजह से हजारों की संख्या में बस, ट्रक, डंपर, टैक्सी, ऑटो आदि क्षेत्रों से काम करने वाले चालक, हेल्पर, कंडक्टर लोगों का परिवहन, परिवार चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सुंदरगढ़ के मटर कर्मचारी संघ, राउरकेला के मिनी बस एसोसिएशन और सीटू कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर राउरकेला के अतिरिक्त जिलापाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक दावा पत्र पेश कर चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन में 3 महीने की तनख्वाह 7,500 रुपए देना होगा और 50 लाख का बीमा भी कराया जाए। इसके साथ ही 2 करोड़ की आर्थिक सहायता के साथ साथ काफी सारी मांगों पर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। सीटू कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विष्णु मोहंती ने कहा कि लॉकडाउन का 3 महीने में इन सब का क्या हाल हुआ है, या यही जान सकते हैं, और ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भी नम हो गयी। उनका कहना था कि आखिर सरकार की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ रही है, सरकार को जल्द से जल्द इन सभी के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। ଆଜି ରାଉରକେଲା ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି। ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସେ ସୌହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରି ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଡାକରାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ମିନି ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଟୋ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି 7 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ। 7 ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ
6 মাস পাই প্রত্যেক শ্রমিক মানুষ 7,500 টাকা করে সরকার মাসিক দরমা দিও। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে 50 লক্ষ টাকার বিমা করা যাও। তৃতীয় দাবি হচ্ছে যে বস এবং বস যাত্রী তাকে স্যানিটাইজেশন করা যাও এবং সার্টিফিকেট দিয়া যাও। যদি কোনোসি বস কর্মচারী কাম কলা বেলে করোনার আক্রমিত হতে এবং মৃত্যুবরণ করতে তাঁর পরিবার 2 কোটি টাকা দিয়া যাও এবং তা সহিত 10 কিলো চাউল এবং 2 কিলো ডালি সমস্ত ওয়ার্কর মানুষ দিয়া যাও, পরিবহন ওয়ার্কর মানুষ 6 মাস দিয়া যাও। এবং কোভিড গাইডলাইন অনুসারে যে নিয়ম রয়েছে বস ভিতরে কি যাবে সেতরে করোনা রোগী থিলে কি না ইয়ে ড্রাইভর কন্ডাক্টর পাখে জানিয়া সম্ভব নুহে। তেমন উপযুক্ত পরীক্ষা করি পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট দিয়া যাও এবং কোভিড 19 পরীক্ষা করা যাও, তারপরে বস কু চলা যাও। এই নিয়ম বস চালিবা ক্ষেত্রে সরকার এই নিয়ম কু কোহল করছেন, খালি মাস্ক পিঁধিলে হয়ে বলে কৌছেন বস চালিব না বন্ধ, তার আমি প্রতিবাদ করছি। বর্তমান প্রায় আজ বস বন্ধ রয়েছে, আজ যে নিষ্পত্তি হয়েছিল জুন 1 তারিখ বস চালিব তা বন্ধ রয়েছে এবং যেপর্যন্ত সমাধান ন হয়েছে বস বন্ধ রহব। ইয়ে হচ্ছে আমি ফেডারেশন নিষ্পত্তি এবং মালিক সঙ্গে সঙ্গে আমি যে আলোচনা করছি সেমানে মধ্য আমাদের টিভি ভেনেডিয়া নিউজ কে লিয়ে সুধীর দাস কি রিপোর্ট, রাউরকেলা, ওড়িশা। खास खबर उड़ीसा के पड़ांगी क्षेत्र से, जहां फूड सप्लाई और कंज्यूमर वेलफेयर विभाग के सचिव के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमांत ग्राम सुंकी में आने वाले प्रवासियों के लिए सरकारी कार्यों की जांच की गई। आपको बता दें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमांत ब्लॉक पड़ांगी क्षेत्र की सीमांत ग्राम सुंकी में आंध्र प्रदेश की तरफ से आने वाले प्रवासी उड़ीसा और अन्य राज्यों के प्रवासियों के लिए कोरापुट प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य, जोगाड़, पुलिस, सड़क और विभिन्न विभाग के सरकारी कर्मचारी निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। नियुक्त है कि मंगलवार उड़ीसा के फूड सप्लाई और कंज्यूमर वेलफेयर विभाग के सचिव वीर विक्रम यादव ने पहुंचकर समस्त विभाग व सरकारी कार्यों का जायजा लिया है। उस वक्त कोरापुट के जिलापाल मधुसूदन मिश्र, SGSO कोरापुट गायत्री पटनायक, SCSO जयपुर रवि नारायण नंद, CSO कोरापुट तुलाराम नायक सहित काफी सारे लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए श्रीकांत चौधरी की रिपोर्ट, पटांगी, उड़ीसा। भारत में कोविड 19 के चलते लॉकडाउन के बाद काफी सारी आर्थिक समस्याएं लोगों के मध्य आ रही हैं। इस बीच मजदूर संघ की भी समस्याएं लोगों के बीच चर्चा में हैं। माँ भैरवी बस कर्मचारियों के धर्मघट की खबर सामने आ रही है उड़ीसा के बौद्ध से, जहां प्रवासी अपने अपने गांव में पहुंच चुके हैं और अनेकों काम भी जारी कर चुके हैं, लेकिन चौथे लॉकडाउन के उपरांत राज्य सरकार बस चलाने की अनुमति प्रदान कर रही है। इस कोरोना से भयभीत होकर सारे राज्य में बस कर्मचारी संघ के द्वारा आंदोलन किया गया है और सूचना के अनुसार बौद्ध जिले के माँ भैरवी बस कर्मचारी संघ के द्वारा बौद्ध के जिलापाल लाटेंदु मिश्रा को एक दावा पत्र प्रदान किया गया है। इस दावा पत्र के अनुसार उनकी सरकार से मांगे हैं कि अगर बस चलाएंगे तो कोरोना में संक्रमित व्यक्तियों को 50 लाख रुपए का बीमा भी प्रदान करेंगे। कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को चिकित्सा के बाद महीने में 30,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान हो और वहीं बस कर्मचारियों को 3 महीने का 7,500 रुपए के हिसाब से सहायता प्रदान की जाए। सबसे बड़ी बात, अगर कोई कर्मचारी इस कोरोना के कारण मौत होती है तो उड़ीसा सरकार महाराष्ट्र सरकार की नीति के अनुसार बस कर्मचारियों को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे। यह बात मुख्यता से उनके समक्ष रखी गई है। देखना यह होगा कि इस पर क्या विचार किया जाता है। দেখুন আজ্ঞা, সিধা সড়ক কথা হচ্ছে, যেতবে সরকার 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করছেন, শ্রমিক কূল কিছু পাইলে না। এবং বিশেষ করে সরকার যেতে বস চলাইয়া নিষ্পতি নেছেন, কোণী কর্মচারী মান সহ আলোচনা কলে না, এবং কর্মচারী পাখু তাঁর সর্বাধিক সংক্রমিত হবার ভয় রয়েছে। এবং এইথিপি আমি নিবেদন করছু সরকার অবিলম্বে যেতে বস কর্মচারী 50 লক্ষ টাকার বীমা রাশি ঘোষণা করতু, এবং যদি সে করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসিত হলে তাঁর 30,000 টাকার মাসিক আর্থিক সহায়তা দিও। করোনা যদি কেউ মৃত্যুবরণ করতে রাজ্য সরকার তুরন্ত মহারাষ্ট্র মডেল কু আপনাই 2 কোটি টাকার সহায়তা ঘোষণা করন্তু, এবং 3 মাস কাল যে ড্রাইভর বা হেল্পর কন্ডাক্টর মানে পেটের উদাকনা দিয়ে পড়ছেন তাঁর পরিবার ভরণ পোষণ পাই সরকার মাসিক 7,500 টাকা লেখে ক্ষতিপূরণ প্রদান করন্তু, এবং তারপরে যাই গাড়ি চলাইবার নিষ্পতি নেবে। যদি এ কথা ন করতে তাহলে কোণী পরিস্থিতিতে রাজ্যব্যাপী গাড়ি চলাচল কু আমি বন্ধ করি রাখব। টিভি ওয়ান ইন্ডিয়া নিউজ কে লিয়ে রবীন্দ্র পটনায়ক কি রিপোর্ট, বৌদ্ধ, উড়িষ্যা।
उड़ीसा के राउरकेला से खबर, जहां राउरकेला से संभव सामाजिक अनुष्ठान की तरफ से मुख्य ट्रैफिक कार्यालय में 52 जन को उत्तरी मास्क और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। भयावह इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में ट्रैफिक कांस्टेबल, हवलदार और ट्रैफिक इंचार्ज अपनी चेक पोस्ट पर खड़े होकर धूप और बारिश में नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस बात को देखते हुए उन सभी का सम्मान किया गया। इस क्रम में ट्रैफिक DSP शांता समाध, ट्रैफिक इंचार्ज नारायण दलई और SI रुचिर विशाल के संग 42 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों 52 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक शारदा प्रसाद नायक मुख्य अतिथि के रूप में अपना योगदान देते हुए नजर आए। जो संभव टीम तरफ आज जो कोरोना योद्धा मानक सम्मानित कर प्रथम तो मु संभव टीम को धन्यवाद देवी। संभवर माने होची सब किछ संभव, प्रबल इच्छा शक्ति, निस्वार्थपर सेवा एवं कमिटमेंट सब किछ संभव कर पार। जीवन सफलता, व्यक्तिगत सफलता को बा समाज कौन सी कार्यक्रम को जो टीम वर्क, हार्ड वर्किंग एवं कमिटमेंट थी सब किछ संभव हो पार। एभली ना को नहीं तैयारी होती गोटे संगठन जहाँ ना देते संभव। संभवर जी अच्छा से मैंने पद्मिनी दास, सुब्रत महांती, मोर भौणी आरती एवं तंग टीम समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करी जे संभव आज जन्म नहीं तार प्रथम कार्यक्रम कोरोना योद्धा मान को सम्मानित करी। निहाती भाव में कोरोना कबल में आज विश्व आतंकित थिला बेले, विश्व हार मानिथिला बेले ओडिशा सरकार, ओडिशा रा प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अहर उद्यम जो आज आम सफलता हासिल करूँ। तथापि कोरोनार भय आज जाईना, थर्ड फेज लॉकडाउन सरी जीवन सामान्यतम होपर भी आज कोरोनार भय चारिपे घेरी बुलू तार भितर आमको सचेतन हाबाक पड़ो निहाती भाव में। कारण आम आम राउरकेला अनेक हिसाब से गर्वित, आम हूँ थर्ड कोविड हस्पिटाल ओडिशा रे। आम हस्पिटाल ले अनुन्य पश्चिमांचल अधिकांश जिलार रोगी आम पाखे ट्रिटमेंट होती। सुदूर नुआपड़ा, सुदूर आपंकर संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ प्रत्येक जिलार रोगी आज आम राउरकेलार कोविड हस्पिटाल ट्रिटमेंट होती। राउरकेलाई गर्व और गौरव विषय तार धन्यवाद देवा आम जिलापाल, तार धन्यवाद देवा आम DIG को। माननीय मुख्यमंत्री कहते ये कोरोना समय रे जो पुलिस भाई माने, जो स्वास्थ्यकर्मी माने, मोर आंगनबाड़ी दीदी माने, मोर आशा भौणी माने, मोर जो स्वास्थ्य डॉक्टर माने, जो माने अहर उद्यम करुछन्ती, सफेई कर्मचारी माने, जो माने ये कोरोनार मुकाबला समय रे, कोरोना समय रे मध्य जीवन को भूक्षेप न करके कंटेनमेंट जोन रे एवं सहर रे काम करुछन्ती खरा वर्षा भितरे, से माने प्रशंसनीय एवं तांकु कृतज्ञता गोटे शब्द से अत्युक्ति हम ना। आज से ही कोरोना योद्धा मानक आम राउरकेलार ट्राफिक यूनिट को आज संभव तार प्रथम जन्मदिन में सम्मानित कर संभव को कृतज्ञता जगन्नाथ निकट प्रार्थना। संभव सबकि संभव कर पारू ये मोर जगन्नाथ निकट में प्रार्थना। अच्छा भाई, आपण जुवन विधायक हिसाब से राउरकेलार युवक मानक कौन मेसेज समान देवे? डेफिनेटली प्रत्येक युवक प्रथम आत्मसमीक्षा करने कथा, प्रत्येक दिन शोवा आगु आज दिन में से कौन कर निजप कौन कर समाजपी कौन कर। जो युवक निजपाई ना से अंपाई ना, खाली सर्टिफिकेट किसी मूल्य न थाए से पुणी कौच सबकि संभव जदि इच्छाशक्ति थी। एवं कौन से युवक सर्टिफिकेट धरिकी चा दुकान टे कले आत्मनिर्भरशील होदि भल चा दुकान टे कला दिन को जब 200 टाँग कमेला से आत्मनिर्भर कहवा कथा मु संभव कर पारी मो जीवन। तेणु प्रत्येक युवक सब वे स्वप्न देखा कथा एवं जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने कथा, से लक्ष्य को हासिल करने निष्ठा एवं परिश्रम कले सब संभव हो पार। धन्यवाद। संभव ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी मो सहित मोर टीम अच्छा सुब्रत महांती मोर सेक्रेटरी, पद्मिनी दास मोर प्रेसिडेंट, उमा नायक मोर ट्रेजरर अच्छा, बाकी मोर वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी सब अन्य भौणी माने समस्त अच्छा। मैडम ये संघ केते दिन हला आपण माने ये करिंगे? एक्चुअली हमें टीम 2 वर्ष आरंभ करलुँ, छोट मोट सब करूँ कौटी अवेयरनेस प्रदान करवा, कौटी क्या हस्पिटाल ना, कौटी डेड बॉडी उठेबा, कौटी की एक्सीडेंट पड़ी उठा, ये सब जो भी जहाँ देखिए करूँ। कोरोना गोटे एमती समय आसला जो समय रे आम देख लु बहुत लोग खावाक प्रकृत में पा ना, तेणु आम टीम आगभर ही बाहर घर घर खावा पहुँचापी आम शुखिला खाद्य 200 परिवार को देचु। ये कोरोना समय रे 30 रास्त रोड़ कड़े रोकवे पगल पगड़ी मान लकडाउन पीरियड टा पूरा रंधा खाद्य बुले बुल बांटीचु। यापर ये आम थर्ड प्रोग्राम आज जो ट्राफिक पुलिस को करुचु संबंधित झिरपाणी पुलिस स्टेशन समस्त पुलिस भाई मानक आम देखी खरा ठिया हेबार तांकु संबर्धित करिछु। या व्यतीत आम पूरा रोड सारा पूरा लॉकडाउन पीरियडटा जिते पुलिस भाई ठिया होते 10 टू नहीं अप टू सेक्टर 2 पानी बोटल आम सबुदिन खराबे बांटुलू।
ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ। ଏଇଟା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଭାଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି। ପୋଲିସ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁଧୁରି ପାରିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଖବର ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ ଯେ କାମକୁ କିଛିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ଆମେ କିଛି ଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି, ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ସମ୍ଭବ ତା'ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସଚେତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆମେ ଆଗକୁ ଟିଭି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଲିଏ ସୁଧୀର ଦାସ କି ରିପୋର୍ଟ, ରାଉରକେଲା, ଓଡ଼ିଶା। ओडिशा के मलकानगिरी से खबर, जहां मलकानगिरी जिले के कुइरपुट ब्लॉक के बाय गांव में भुवनानंद साहू ने जैविक कीटनाशक औषध का निर्माण किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले पाकिस्तान से भारी मात्रा में कीट पतंग व टिड्डे हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि एक भयंकर समस्या है। भारी मात्रा में पेड़ पौधे व फसल को नष्ट कर दे रहे हैं, जिससे किसान बर्बादी की कगार पर है। इसके मद्देनजर इसको रोकने के लिए यहां के योग शिक्षक और केंद्रीय योग समिति के मलकानगिरी जिलाध्यक्ष भुवनानंद साहू ने जैविक कीटनाशक औषध का निर्माण किया है। इसे प्रस्तुत करने के लिए देशी गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ साथ देसी गुड़ और नीम के पत्ते, करंज के पत्ते, अरख के पत्ते का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, इसमें अरख के पत्तों को पीस कर उसे घड़े में डालकर अच्छी तरह मिश्रित बनाकर घड़े को ढककर 7 दिन तक छाया में रखा जाता है। इस औषधि के निर्माण से सभी का कहना है कि इसमें खर्चा काफी कम आएगा और खाद स्वादिष्ट लगेगा, जिसमें बीज विशोधन हो पाएगा और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ेगी। फसल सभी प्रकार रोगों व कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगी और फसल हरी भरी रहेगी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और इसे बेचकर रोजगार भी लोग कमा सकते हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रभात शाह की रिपोर्ट, मलकानगिरी, उड़ीसा। ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में अचानक 25 नए कोरोना मरीज मिलने के साथ पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, संख्या पहुंच चुकी है 55। जिले में कोरोना वायरस के 25 नए मरीज सामने आए हैं। मंगलवार को प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी मधुस्मिता साहू ने पत्रकार वार्ता में इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है। संक्रमितों की संख्या पहुँच कर 55 हो चुकी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, जिन अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों से कोरोना मरीज सामने आए हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और कोरोना संक्रमितों के साथ TMC में जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, उनकी कोरोना जांच भी कराई गई है। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य किसी की आवाजाही अगले 48 घंटों के लिए प्रतिबंधित है। इससे सड़क सील कर दी गई है और साथ ही गांव के 7 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है। इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम घर-घर जाकर सर्वे कर रही है, जिसमें कोरोना के थोड़े से भी लक्षण नजर आ रहे हैं, उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रितेश राठौड़ की रिपोर्ट, नुआपाड़ा, उड़ीसा।